जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। एक दो फिर से पूछने लगा रही गाइस, मैं आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं कि नए एयर कंडीशनर की व्लॉग के साथ इस वक्त अपने डिस्प्ले के ऊपर हाजिर हैं। आज आपको ओरिएंट के जो डीसी इन्वर्टर हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ सीरीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 मिनट की एक एक व्लॉग बना के आपको से इसके बारे में बताया जाए कि इसके अंदर कौन कौन से एसी आ रहे हैं, कौन कौन से सीरीज़ आ रहे हैं और डिफरेंट सीरीज़ में डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट स्पेक्स का क्या इसके अंदर फ़र्क है, प्राइस के अंदर कितना फ़र्क आ रहा है, तो वो सारी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताई जाए। तो आज आपके लिए जो लेकर आए हैं जी Mega 18G, इसके ऊपर आज आपसे इसमें बात करेंगे। वैसे जो फ़र्क है 18G रॉयल का और 18G मेगा की, अगर हम बात करें तो स्पेसिफ़िकली इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको शेप का जो डिफरेंस है वो इसमें नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये है कि फिर भी चूँकि सीरीज़ अलग अलग है, डिफरेंट सीरीज़ है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंट सीरीज़ के ऊपर डिफरेंट एक छोटा सा व्लॉग बना के बताएँ कि जी इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर आ रहे हैं। तो 18G अब मेगा की अगर हम बात करें तो ये भी डेढ़ टन का एसी है, 18,000 BTU का कंपनी क्लेम करती है कि जी ये हमारा एसी है। आपका अगर एक नॉर्मल साइज़ का 15x20 का रूम है तो ये आपका एसी बेहतरीन थ्रो के साथ है, चूँकि इसका इंडोर आपको बड़ा नज़र आ रहा है, डबल ब्लो यूनिट है, तो बड़े बेहतर तरीके से आपका यूनिट इसके अंदर काम करेगा। इसके बाद अगर आप बात करें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, हम बात करेंगे जी, ऑब्वियस बात है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी डीसी इन्वर्टर इसके ऊपर मेंशन है, तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ऑब्वियस बात है इसके अंदर है अप टू जो मेगा इनका यूनिट आ रहा है, ये तो क्लेम करते हैं कि जी तकरीबन 70% ये बिजली की आपको बचत भी करता है। इसके बाद अगर आप बात करें इनकी इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके अंदर की जी इसके अंदर कंडेंसर कौन सा लगा हुआ है या इवापोरेटर इसके कौन से हैं, तो इवापोरेटर और कंडेंसर की जब हम बात करते हैं तो ये क्लेम करते हैं कि जी ये गोल्ड पिन कंडेंसर और गोल्ड पिन इवापोरेटर के साथ इन्होंने आपको दी है। 4D एयर फ्लो कंपनी इसके ऊपर क्लेम कर रही है कि जी चारों जो इसके साइड्स होते हैं वो 4D एयर फ्लो के साथ होते हैं। आप अगर दोनों साइड से जहाँ पे भी इसको करते हैं तो दोनों साइडों के ऊपर आपको ये दोनों तीनों चारों साइडों के ऊपर इसकी जो वो हवा की फ्लो है वो इसमें चली जाती है। लो वोल्टेज ऑपरेशन के साथ साथ इसके अंदर भी गैस की जो इन्होंने वो रखी है जनाब इको फ्रेंडली गैस R410 इन्होंने इसके अंदर डाली है, तो इको फ्रेंडली जो आपका ये गैस है R410, तो इसके अंदर जो सबसे अहम फ़ायदा है वो ये है कि एक तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार होता है, और सेकंड के ऊपर अगर हम बात करें तो जो आपके रूम के अंदर सफोकेशन की बात है या बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप इन्वर्टर से पहले जो आप एसी यूज़ करते थे तो उसके अंदर ये चीज़ थी कि जी आपने जब यूनिट लगाया होता था तो कमरे के अंदर अजीब सी एक सफोकेशन सी होती थी, तो वो चीज़ इसके अंदर उन्होंने ख़त्म कर दी है, सफोकेशन आपके रूम के अंदर नहीं होगी और आपके एसी के एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी इसके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हीट एंड कूल का तो ऑब्वियस बात है, ये यूनिट है, गर्मी सर्दी दोनों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 साल कंपनी इसके ऊपर वारंटी दे रही है कंप्रेसर की और 1 साल कंपनी इसके ऊपर वारंटी दे रही है पार्ट्स की। आप यहाँ पर भी आके इसको देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। प्राइस की अगर आप बात करें तो 1,05,000 का ये भी इस वक्त हमारे डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो अपने घर भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू।